हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल के बी एस स्वाद का तड़का में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू और प्याज के स्टफ्ड पराठे की रेसिपी। फूले फूले और सॉफ्ट पराठे की रेसिपी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे बना रही हूँ इसे। और मेरे चैनल को अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जा कर के कर लीजिए। देखिए, यहाँ मैंने लिए हैं बॉइल्ड आलू और इन्हें मैं अच्छे से मैशर से जो है मैश कर दूंगी। इसे मैशर से जो है अच्छे से मैश करिएगा, या तो आप कद्दूकस पे इसे ग्रेट कर लीजिएगा ताकि इसमें कोई भी जो है टुकड़ा ना रहे आलू का। देखिए, अच्छे से जो है मैंने इसे मैशर से जो है मैश कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च, और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। पहले मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी हींग, और हींग डालने के बाद इसमें डालूंगी मैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी अब आधा चम्मच के करीब चाट मसाला। चाट मसाला डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है पराठे का। लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया है, और अब मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया मैंने एक चम्मच, और हाथों से क्रश करके इसमें मैं डाल दूंगी कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी डालने के बाद इसे जो है हाथों से अच्छे से जो है अब मिक्स करेंगे। आलू प्याज और मसालों को जो है अच्छे से जो है हाथों से इस तरीके से मिक्स कर देंगे। सभी को बहुत ही पसंद होते हैं, बच्चों को तो खास करके ये बहुत ही पसंद आते हैं आलू के पराठे, तो आप भी बनाइएगा। आटे को मैंने पहले से ही गूंथ के रख लिया था, इसे थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेती हूँ। आटा हमारा तैयार है, तो चलिए बनाते हैं पराठे। मैंने इस तरीके से एक डो ले लिया है, इसे जो है हाथों से देखिए इस तरीके से हम बना लेंगे। और इसके बीच में अब हम भरेंगे स्टफिंग, जो आलू और प्याज की हमने स्टफिंग बना कर रखी है उसे इस तरीके से जो है चम्मच से डाल दिया है मैंने, और इसे हाथों से जो है इसमें मैंने थोड़ी सी और स्टफिंग डाल ली है। आप इसे इस तरीके से जो है उंगली से अंदर करते जाइएगा स्टफिंग को, और आटे की जो है उसको इस तरीके से हाथों से दबा करके अच्छे से बंद कर दीजिएगा इसका जो ऊपर के साइड का मुंह है। देखिए, स्टफिंग भरने के बाद हमारी जो है लोई तैयार है। इसे अब सूखा आटा थोड़ा सा लगा करके अच्छे से जो है, और बेलन से जो है इसे अब मैं बेल लूँगी। हल्के हल्के हाथों से इसे बेलना है, ज़्यादा मत प्रेस करिएगा। देखिए कितने अच्छे से हमारे पराठे जो हैं बिल रहे हैं, हमारी स्टफिंग भी जो है देखिए साइड से बाहर नहीं निकल रही है। बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ आज मैं आपको पराठे बनाने का, आप भी ज़रूर बनाइएगा। बेल करके तैयार कर लिया है मैंने पराठा, और तवा गरम है, गरम तवे पर मैं इसे डाल दूँगी अब। इसको मैंने डाल दिया है तवे पर, और इसे जो है अच्छे से सिकने देंगे एक साइड से। जब ये एक साइड से सिक जाएगा तो इसे हम पलट देंगे। इसे मैंने जो है पलट दिया है, अब दूसरी साइड से भी इसे सिकने देंगे। और इस पर मैं लगा दूंगी रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो अपनी पसंद से आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, आप इसे घी बटर किसी में भी बना सकते हैं। इसे जो है अच्छे से मैं रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लगा दिया है मैंने रिफाइंड ऑयल, और दूसरी साइड भी मैं लगा दूंगी इसमें। और इसे अच्छे से जो है गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से जो है सेकूंगी।
इस तरीके से इसे मैंने पलट दिया और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से मैं इसे दबाते हुए हल्का हल्का सेक लूँगी दोनों साइड से ही। इसे इसी तरीके से हमें सेकना है। कितने फूले फूले देख रहे हैं आप, पराठे हमारे बने हैं और स्टफिंग भी हमारी नहीं निकली है बाहर। और इसी तरीके से मैं सभी पराठे जो है बना करके तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने दूसरा पराठा भी डाल दिया है तवे पर और इसे भी मैं उसी तरीके से जो है सेक लूँगी। देखिए इस पे भी मैंने रिफाइंड ऑयल लगा दिया है और इसे भी जो है इसी तरीके से हम सेक लेंगे। बिना किसी झंझट के आसान तरीका मैंने आपको बताया है पराठे बनाने का, तो अब से आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, आपको भी आसान लगेगा इस तरीके से बनाना। तो लीजिए फ्रेंड्स, बन करके हमारे तैयार हैं पराठे और इस पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा बटर। इसे मैं कर दूंगी अब सर्व चटनी के साथ। आलू और प्याज के स्टफ्ड पराठे बन करके तैयार हैं। देखिए यहाँ मैंने धनिए की चटनी के साथ इसे सर्व किया है। आप इसे रायता दही किसी के भी साथ सर्व करिए, सभी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए स्टफिंग भी हमारी अच्छे से मैंने इसमें स्टफ्ड की है। और मेरी ये रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।